अब इस लेक्चर के अंदर हम सीक्वेंस फंक्शन देखेंगे या सीक फंक्शन देखेंगे, किस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें लिख के पूरे का पूरे सीक्वेंस जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं इन आर। और सीक्वेंस का फंक्शन जो है ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन होता है इन आर, जिसको लिखने के बाद आप मल्टीपल सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स या डिफरेंट किस्म के करेक्टर्स को आप देख सकते हैं और उसे बना भी सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ एंड हियर वी गो। यहाँ पे ये आपके पास जो है वो सेम वही चीज जो हम पहले कर रहे थे उसी एक विंडो के अंदर हम दोबारा से आ जाते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं सीक फंक्शन इन आर और इसको मैं कंट्रोल वन करके जूम इन कर लेता हूं। ये जनरेट करता है सीक्वेंसेस को आर के अंदर, और सीक्वेंसेस मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। कैसे, कितनी किस्म की होती हैं और कौन कौन सी चीजें सीक्वेंसिंग के अंदर जरूरी होती हैं वो हम देख सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है नंबर, एक से लेके अगर मैं 100 तक बोलूं तो एक से लेके 100 तक के नंबर को हम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 10, एक से लेके 10 तक के नंबर को। सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 2, 4, 6, 8, 10। सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। समझ रहे हैं बात को। सो हम सीक्वेंस में बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। ये होगी सीक्वेंस। सीक्वेंस फंक्शन जो है वो नंबर को एक स्पेसिफाइड रेंज की बेस पे हमें सीक्वेंस के डेटा को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर जो बेसिक हमारे पास फंक्शन होता है वो 3 आर्गुमेंट लेता है। फ्रॉम यानी कि कहां से स्टार्ट करनी है सीक्वेंस, 2 यानी कि कहां तक, एंड बाय यानी कि कितने स्टेप के साथ जंप करना है, फ्रॉम टू बाय, ठीक है। और इसके अंदर हम चीजों को कुछ इस तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 से 10 की सीक्वेंस बनानी है तो मैं सिंपली फंक्शन लिखूंगा सीक्वेंस 1 to 10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 10 की सीक्वेंस बनाने के लिए मुझे सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, रादर देन राइटिंग डाउन सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसकी बजाय मैं डायरेक्टली ये वाली सीक का फंक्शन यूज करूंगा। इसे मैं रन करता हूं एंड देन यू विल सी हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस आ गई। सिंपल है कि नहीं आसान। और यही सीक्वेंस के जो फंक्शंस हैं ये हमें और भी हेल्प आउट करते हैं जब हम बड़े डेटा की बात करते हैं, जब हम डेटा को और भी एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फ्रॉम टू के किस तरीके से हम सीक्वेंस बना सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करके मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वल टू 1, 2, 10, तो ये भी हमारे पास सेम रिजल्ट देगा। तो कभी कभार आपको फ्रॉम और टू लिखने की जरूरत होती, कभी नहीं। सो दोनों तरीकों से ये काम करता है और रिजल्ट इनका सेम ही है, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे फ्रॉम टू के बाद बाय वन कर दूं सीक्वेंस, वही चीज सीक, और यहां पे बाय वन कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा स्टेप होगा वो 1 का होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हर एक इंटरवल के बाद अगला नंबर आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली 1 से 10 तक है। अगर मैं इसी को कॉपी करूं यहां पे लिख दूं 2, तो हमारे पास क्या होगा, देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 1 में 2 जमा करो क्या आता है, उससे आगे 2 जमा करो क्या आता है, उससे आगे 2 जमा करो तो क्या आता है। अगर यही सीक्वेंस में 0 से स्टार्ट करता, यही सीक्वेंस को मैं पेस्ट करता हूं, ये 0 से स्टार्ट करता, अब आपके पास रिजल्ट क्या होता, लुक 0, 2, 4, 6, 8, 9, यानी कि 0 में 2 जमा करो, फिर 2 से 2 आगे जमा करो, फिर 2 आगे जमा करो, फिर 2 आगे, एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट सीक्वेंस। आप 2.5 की भी कर सकते हैं, 0, 2.5, 5, और ये हो गया। आप 2.5 के बजाय 1.5 की भी कर सकते हैं सीक्वेंस, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इवन के 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो वट एवर इज इन योर माइंड आप वहां से डेटा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मजे की बात बताऊं, मैं यहीं पे 5 के बाद 100 लिख दूं, ये आगे सीक्वेंस नीचे, मैं यहीं पे 100 के अलावा 1000 लिख दूं, ये आगे मेरे पास सीक्वेंस, 1000 के अलावा 10,000, चलो 10,000 नहीं 1,00,000, 1,00,000 भी छोड़ो 10,00,000, लेट्स सी, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी सीक्वेंस जनरेट हो गई। क्या एक्सेल ऐसा कर सकते हैं? नहीं, एक्सेल इतने बड़े नंबर्स को नहीं प्रिंट आउट कर सकता इतनी जल्दी। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, इट कैन डू इट। और मैं इस वजह से ये बड़े वो कहते हैं ना दावे के साथ बात कर रहा हूं, बिकॉज चेक करें मैंने कितने जीरोस लगाए हैं, लेट्स सी। यहां पे अब हमारे पास एरर आई है, एरर इन सीक डिफॉल्ट 5 into 10 raised to power 12 तक आप जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है,
10 रेज टू पावर 12 इज एक्चुअली अ लॉट. 10 रेज टू पावर 6 को मिलियन बोला जाता है, जहां तक एक्सेल की पहुंच है. ये उससे भी उतने ही गुना ज्यादा है. सो आई कैन से कि यहां पे 10 रेज टू पावर 11 का मतलब क्या है, 12 का मतलब क्या है कि मैं 12 जीरो लगा सकता हूं, 2 4 6 8 10 और 12. लेट्स सी. फिर कह रहे कि आपके पास by 1.5 error in seek default by argument is too small. मैं इसको by argument को बड़ा कर देता हूँ. मैं यहाँ पे कह देता हूँ 150 के हवाले से करो. फिर कह रहे too small. मैं कहता हूँ चलो जी 15,000 के हवाले से कर दो. Now it is working. So कहने का मकसद यह है कि लिमिट इसकी भी है. इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लिमिट नहीं है, इसकी भी लिमिट है, इस सॉफ्टवेयर की भी लिमिट है. बट यू नीड टू चेक दैट कि वो लिमिट है क्या कहाँ पे जाके. बट स्टिल जब आप डेटा पे काम कर रहे होते हैं, आप इतने ज्यादा एरेज को जनरेट ही नहीं करते. ये बड़ी मशीनों के अंदर आप जा करते हैं, और उसके लिए आपके लिए और भी पैकेजेस जो हैं वो पड़े हुए हैं. अब यहाँ पे आपको समझ आ गई कि सीक्वेंस किस तरीके से जनरेट होती है. वन भी आ गया, टू भी आ गया, और आपके पास बाकी चीजें भी आ गई. अब एक और आर्गुमेंट होता है जब भी आप सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, उस आर्गुमेंट को बोला जाता है लेंथ आउट आर्गुमेंट. और लेंथ आउट आर्गुमेंट क्या करता है, एक से दस तक करो, लेंथ आउट करो सिर्फ पांच की. समझ आई बात की. एक से दस तक सीक्वेंस हो, लेकिन एक दो तीन चार पांच, यानी कि पांच हिस्सों में इक्वली डिवाइडेड सीक्वेंस हो. समझ रहे हैं बात को. मैं एक से दस तक करता हूं और दस हिस्सों में इक्वल डिवाइडेड करता हूं, ठीक है. एक से दस तक करता हूं और बीस हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता हूं. समझ रहे हैं बात को. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ सीक्वेंस लेंथ आउट की बेस पे. और लेंथ आउट फंक्शन क्या होता है, ये स्पेसिफाइड लेंथ की बेस पे आपको जो है वो सीक्वेंस बना के देता है. अब इसके अंदर एक और होती है ऑप्शन जिसको हम अलोंग विद बोलते हैं, ठीक है. अलोंग विद क्या होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अलोंग विद आर्गुमेंट. एंड दिस विल एक्चुअली सी एक से दस तक अलोंग विद आर्गुमेंट के साथ आप अगर इसको प्रिंट करते हैं, यू विल सी दिस अलोंग विद 1 to 10 और अलॉन्ग विद 15 अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी. और ये तब यूज होता है जब आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है जिसकी वैल्यूज हैं सी 1 2 3 4 5, बल्कि इसको मैं कर देता हूं 10 20 30 40. अब मैं इसके अंदर अलॉन्ग विद इक्वल टू वेक्टर कर देता हूं एंड इसको मैं रन करता हूं. This will have 1 2 3 4, यानी कि सीक्वेंस आप बनाओ इसको अलॉन्ग विद वैक्टर कर दो, यानी कि वैक्टर के साथ हमारे पास जो आउटपुट है वो कितनी है. सो अलॉन्ग विद फंक्शन जनरेट करता है सीक्वेंस दैट मैचेस द लेंथ ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है. मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लेंथ इसकी है 10 20 30 40 50 10 20 30 40, चार है लेंथ हमारे पास, यानी कि चार वैल्यूज हैं. तो ये सीक्वेंस क्या करेगी, इसके इक्वल लेंथ के अंदर हमें सीक्वेंस के नंबर दे देगी. अगर मैं यहां पे 50 भी लिख दूं, अब मेरे पास पांच नंबर्स आएंगे. देखिएगा 50 यहां पे मैंने लिखा, ये मैं इसको रन करता हूं, पांच नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5. सो ये तब यूज होता है जब आपने सीक्वेंस बनानी हो बेस्ड ऑन द लेंथ इन अ वेक्टर. लेंथ क्या होता है, नंबर और या काउंटिंग ऑफ दोज रोज, ठीक है, कितनी दफा वो वैल्यूज आ रही हैं उसको हम लेंथ बोलते हैं. तो ये है जी हमारे पास सीक्वेंस का फंक्शन. ये यूज तब होता है जब आपने खुद से डेटा जनरेट करना हो, रैंडम जनरेट करना हो, और आप डेटा को अपने डिफरेंट किस्म के डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम के अंदर यूज करना चाह रहे हो. और ये हम अक्सर औकात अपने पास तब भी यूज करते हैं सीक्वेंस का फंक्शन जब हमने प्रैक्टिस करनी होती किसी भी चीज की, ठीक हो गया. अब सीक्वेंस का फंक्शन बनाने के लिए आपको एक चीज का अंदाजा हो गया कि ये वो फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली आपकी डिजाइन करदा नंबर्स आपको दे देगा. यानी कि आप चाहते हैं एक से लेके 100 तक नंबर चाहिए सिर्फ और सिर्फ जिनका पांच का फर्क है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा रादर देन यू राइट 5 10 15 20 25. सो ऑटोमेट करने के लिए फंक्शन को ये यूज होता है.